अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन फूड रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही कोरमा चिकन बनाने की रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं शाही कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। रेसिपी में दिए गए टिप्स और ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। शाही कोरमा बनाने के लिए हमने लिया है 600 ग्राम चिकन, 6 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, 2 कप दही है, क्वांटिटी में 200 ग्राम है, कुछ पाउडर मसाले हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें 6 बड़ी इलायची है, 10 से 12 लौंग है, 8 से 10 काली मिर्च है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेजपत्ता है, 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है, ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, ये 10 से 11 बादाम है जिसे मैंने रात भर भिंगो लिया था, सुबह इसके छिलके उतार लिए हैं मैंने। इसका हम पेस्ट बनाएंगे जिसका इस्तेमाल हम शाही कोरमे में करेंगे। ये भी कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें 6 छोटी इलायची है, 3 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून जीरा है, आधा जायफल का टुकड़ा है, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा है और जावित्री का फूल है, 10 से 12 काली मिर्च है। इसका हम पाउडर बनाएंगे मसाला जिसका इस्तेमाल हम शाही कोरमे में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चिकन को मसालों के साथ मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम मसालों को पीस लेंगे। ये खड़े मसाले हैं और इस बादाम का पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमारा तैयार है, बादाम का हमने पेस्ट बना लिया है। तो आइए शाही कोरमा हम बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही कोरमा बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम प्याज इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हमारा चेंज हो रहा है, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस पोजीशन पे प्याज को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि प्याज जल ना जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम टिश्यू पेपर में निकालेंगे। प्याज को हमने निकाल लिया है, अब उसी तेल में हम सारे साबुत मसाले ऐड कर देंगे। अब चिकन को हम ऐड कर देंगे। चिकन को हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दो मिनट के लिए हमने चिकन को फ्राई कर लिया है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। कोकोनट
5 मिनट हाई फ्लेम पे भुनने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे। ब्राउन प्याज को हमने हाथों से क्रश कर लिया था, अब हम इसे चिकन में ऐड कर देंगे। ब्राउन प्याज डालने के बाद अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही डालते वक्त आंच हम एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। नमक हम डाल देंगे। पांच मिनट हम इसे लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। पांच मिनट लो फ्लेम पकने के बाद अब हम इसमें पीसी हुई बादाम को ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बिना कवर किए पकाएंगे जब तक ये अच्छा से मसाला भून न जाए। इसी पॉइंट पर हम 2 टेबल स्पून केवड़ा एसेंस डाल देंगे। आप चाहे तो केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। 5 मिनट कोरमा भुनने के बाद अब हम इसमें गरम मसाले को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पे ढक कर पकाएंगे। हमारा शाही चिकन कोरमा बनकर तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।